जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और खुलकर जो भी आपकी राय हो जरूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, महाकाल का नाम लिखेंगे मुझे अच्छा लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी पत्नी या आपका पति आपसे रूठा है, या प्रेमी या प्रेमिका आपसे रूठी है, या दोनों के बीच मतभेद है, तो हम क्या करें। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको बिल्कुल मेरी बातों को मानना है, सटीक चलना है और आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात कि हर व्यक्ति सुलह की ओर जाता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी ये चाहता है कि पति पत्नी दोनों साथ में रहे, या प्रेमिका जो है या प्रेमी है वो भी साथ में रहे और जीवन बसर करे या शादी करे। परेशानियाँ कई सारी हो सकती हैं, जैसे कि लड़के के घर वाले शादी के लिए मना कर रहे हैं या लड़की के घर वाले मना कर रहे हैं, और कई सारी परेशानियाँ हैं। और दाम्पत्य में ये होता है कि पत्नी को वहाँ रहने में सास ससुर से दिक्कत होती है, पति को पत्नी के साथ शक होता है, और कई सारी ये जो जितनी भी बातें हैं ये आप सब अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, उन पर हमें चर्चा करने का समय नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या है, कोई भी समस्या, तो सबसे पहले आप बातचीत करके उसे सॉर्ट आउट करें, और अधिकतर लोग यही करते हैं कि बातचीत करके उसे सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें जो गलतियाँ होती है, उसमें गलती सबसे पहली होती है कि आप समझदार लोगों को बीच में बिठाएं। आप खुद करते हैं, उसमें तकलीफ ये हो जाती है कि आप तो कब से समझा रहे हैं दोनों पक्ष, लेकिन नहीं समझ रहे। किसी तीसरे चौथे पक्ष को लेकर आएं, जो भी आपके रिश्तेदार सगे हों उन्हें बिठाएं, और फिर जाके आगे बात करें। उससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मुकाबले आपके बात करने से, जो त्रुटियाँ होती है उस पर बात करें। दूसरी बात है कि आपको कोई गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे ईश्वर का आदेश समझकर उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए। ये ना मिलेगी तो, या ये ना मिलेगा तो सब कुछ जीवन खत्म हो जाएगा, ये सब ओछी बात है। ये जीवन में आपके माँ बाप हैं जिनने आपको पैदा किया, इतना बड़ा किया, आपके कुछ दायित्व हैं, चाहे लड़का हो लड़की आप कोई भी हो, वो आपकी पहली प्राथमिकता है, या खुद का जीवन भी आपकी पहली प्राथमिकता। आपने बैठ के बात की, बात चली, आगे बढ़ी, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसे खत्म करके नई शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि कब तक आप इस तरह से झेलोगे, कब तक आप खुद को डिप्रेशन में डालोगे, कब तक आप इस तरह के माहौल में निकलोगे। या तीसरा है कि आप शांत बने रहे, आप बातचीत कर रहे हैं, अगर कुछ पहल नहीं हो रही तो आप अपनी शांति बनाए रखें, अपना काम, जो भी धंधा, काम धंधा या जो भी काम करते हो करते रहें कंटिन्यू, और अपने जीवन को आगे बसर करें। इस विषय को, ये जो शादी दाम्पत्य के जो विषय होते हैं, ये वक्त ही ठीक कर देता है इनको, क्योंकि वक्त बहुत बलवान है। ये जख्मों को वक्त ही ठीक कर सकता है। आप चाहे कि आप बात भी कर लें, आप चाहे कि इनसे छुटकारा भी पा लें, लेकिन इन चीज़ों को कई बार वक्त ठीक करता है। और कुछ हमारी आदतें हैं, जैसे बहुत से लोग नशा करते हैं, वो छोड़ दें आप, इतना तो कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर परेशानियाँ जितनी भी है वो पुरुषों से अधिक होती हैं, ये देखा गया है, और महिलाओं का इस मुकाबले में है वही बराबर है, लेकिन 19-20 जरूर है। तो सबसे बड़ा और व्यसन एक कारण है आज की शादी दाम्पत्य, एक व्यसन और एक शक संदेह। ये शक जो है ये बहुत बुरी बीमारी है। शक कभी मत करें, विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास पे ही ये रिश्ते बनते हैं। और अगर कोई व्यसन आप करते हैं वो छोड़ दें, विश्वास में लाएं और पूरा अपने परिवार का ख्याल रखें, यही गुरु मंत्र है दोस्तों। इसी तरह आप जीवन, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि शांति से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता घर में, कोई गाली गलौज नहीं सुनना चाहता। तो आप अगर इस तरह के माहौल में अगर किसी को रखना चाहेंगे तो वो नहीं रहना चाहेगा। तो मैं फेवर यही करता हूँ खासकर लोगों से कि आप शांति से जीवन यापन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।